हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपको पता होगा अभी काफी ट्रेंड कर रहा है कि भाई पोको का नया डिवाइस आ रहा है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये कब तक आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो डिवाइस है ये आएगा फरवरी में, मैंने बता दिया है। लेकिन दोस्तों ये हम आपको बताएंगे कि जो पोको का F2 है वो नहीं आ रहा है, एक नया डिवाइस आएगा। पोको X2 हो सकता है या पोको C2 हो सकता है, कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है एक नए नाम से। लेकिन दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये कौन सा स्मार्टफोन एक्चुअल में होगा, क्या कुछ आपको स्पेक्स मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो स्मार्टफोन है ये कोई अलग फोन नहीं है। एक्चुअल में जो पोको का F2 है वो काफी ज्यादा प्राइस का होने वाला है, जैसे कि हुआ था पोको F1 के केस में। मतलब वहां पे आपको फ्लैगशिप जो चिपसेट मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो स्मार्टफोन ऑलरेडी 25,000 से ऊपर जाएगा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पोको के नए स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको रेडमी K30 का रीब्रांडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जो कि पोको के नाम से मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि Redmi K30 में आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। सेम वही डिजाइन आपको पोको के नए स्मार्टफोन यानी पोको X2 में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन 730G मिलता है। अब दोस्तों यहां पे जो स्नैपड्रैगन 730G है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और यहां पे आपको डुअल पंच होल कैमरास भी मिलते हैं। तो देखने में फोन नो डाउट काफी अच्छा है, और Redmi K30 मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। और जो प्राइस पे Xiaomi ने लॉन्च किया है, तो मुझे लगता है कि पोको में जब आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और फिर पोको एक अलग से इंडिपेंडेंट कंपनी भी हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पे Redmi K30 आप जानते हैं जहां पे आपको डुअल पंच होल कैमरास मिलते हैं, और 730G, जी हां स्नैपड्रैगन 730G के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। तो ऐसे गेमिंग में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ये जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो लगभग से आपको फ्लैगशिप ग्रेड की देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो यहां पे कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चीजें आपको Redmi K30 में मिलती हैं, चाहे हम बात करें बैटरी की, चाहे हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, या फिर हम बात करें पूरे ओवरऑल डिजाइन की, तो सब कुछ वही आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों काफी सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई पोको F2 किधर है, जिसका हम वेट कर रहे थे, ऐसे गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा डिवाइस होने वाला है। तो भाई हाँ, ये स्मार्टफोन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको देखने को मिलेगा Xiaomi K30 का रीब्रांडेड वर्जन, जो कि आएगा पोको X2 नाम से, या फिर हो सकता है पोको C2 नाम से, या फिर कुछ और नाम भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे आप गेस करिए कि किस नाम से आएगा। और हम बात कर रहे हैं पोको F2 के बारे में, तो भाई ये फ्लैगशिप फोन होने वाला है, और यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 865 मिलेगा। और प्राइस के मामले में नो डाउट यहाँ पे सभी कंपनियों से, जैसे OnePlus है या फिर Samsung है, तो उससे प्राइस डेफिनेटली कम होगा, लेकिन ऐसे 20,000 के ऊपर जो है इसका प्राइस जरूर से रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आप लोग क्या मानते हैं पोको F2 के बारे में, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो भाई ये था एक अपडेट पोको F2 के बारे में, और एक नया डिवाइस पोको X2 के बारे में। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, और ऐसे वीडियोज अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।